नमस्कार दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि परिवर्तन का चक्र घूमता रहता था, जो कभी नीचे थे वो ऊपर आ जाते हैं और जो ऊपर थे वो नीचे आ जाते हैं। निश्चित रूप से कम भारत की राजनीति में यह इस समय देख रहे हैं, भारत की राजनीति में देख रहे हैं कि कभी 55 साल तक कांग्रेस पार्टी इस देश की सत्ता पर थी और उसके बाद में वो नीचे, तमाम सारे दूसरे लोग ऊपर हैं। लेकिन सही कौन होता है, गलत कौन होता है, इसका फैसला होता है। इसका फैसला कैसे होता है, इसके लिए एक सबसे बड़ी बात जो सरदार भगत सिंह ने कही थी, और वो कही थी कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए मरा हुआ भगत सिंह जीवित भगत सिंह से ज्यादा खतरनाक हो। शायद आज यही वजह है कि पंडित नेहरू हो, नेहरू परिवार हो, गांधी परिवार हो, महात्मा गांधी हो, वो सब आज भी इतनी सर्वशक्तिमान सत्ता होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरे गैंग पर भारी पड़ रही। क्यों भारी पड़ रही? उन्होंने तो कहा कि वो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे रिच पार्टी है, तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन पर यह भारी पड़ रहा है? भारी पड़ने की वजह क्या है? तब हमें एक चीज याद आती है, आर वेंकट रमण, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने एक बात कही थी कि गौतम बुद्ध और नेहरू दोनों मध्य मार्ग पे थे। जो गौतम बुद्ध का दर्शन मध्य मार्ग से चलता है और नेहरू का दर्शन भी कमोबेश उसी के इर्द गिर्द होता है, तो वो उस तुलना को करते हैं और इसको बताते हैं कि दुनिया के एक महान योजनाकार, सांख्यविद और अर्थशास्त्री पीसी महल नोबिस ने कहा था कि योजना के प्रति नेहरू के दृष्टिकोण को मध्य मार्ग कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? वह वक्त था जब नेहरू पूंजीवाद को अपना सकते थे, वह वक्त था कि जब नेहरू पूरी तरह से समाजवाद को अपना सकते थे, लेकिन जैसा कहते हैं आर वेंकट रमन, उसके मुताबिक उन्होंने न पूरी तरह पूंजीवाद अपनाया, न उन्होंने पूरी तरीके से कम्युनिज्म को अपनाया। उन्होंने दोनों के एक बीच का रास्ता निकाला जिसे मध्यमार्ग कहते हैं, और वह कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के उस दर्शन से प्रेरित है, उसमें दिखता है, वह उस पूरे चरित्र में दिखता है जो बात अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद संसद में कही थी, अपना भाषण दिया था कि वो राम थे। किसके राम थे? वो कहते हैं ऋषि वाल्मीकि के राम, वो तुलसीदास के राम नहीं कहते, वाल्मीकि के राम कहते। तो आप समझिए वो वाल्मीकि के राम थे और उस दर्शन से प्रेरित है। बहरहाल उसमें क्या है, उसमें लोकतंत्र और समाजवाद का सम्मिश्रण, न सिर्फ लोकतंत्र है, क्योंकि कोरा लोकतंत्र होगा तो एक अलग तरह से चलेगा, लेकिन लोकतंत्र में जब समाजवाद भी होगा तभी कुछ बेहतर होगा, और यह पंडित नेहरू ने अपनाया। आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, आप सोचेंगे, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश के अंदर वो दशा है, दिशा है। आज जब हमने चंद पूंजीपतियों को अपना लिया है, उनके लिए हम नीतियां बनाते हैं, उनके हिसाब से हम लोकतंत्र तय करते हैं, उनके हिसाब से हम चुनाव प्रचार करते हैं और तमाम सरकारी संसाधनों का, सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल करते हैं,
या कहे दुरुपयोग करते हैं, संविधान को की मूल भावना को हम तोड़ते हैं, तब यह सवाल उठता है, चर्चा का विषय होता है। मैंने यह चर्चा इसलिए की कि अडानी को पैसा जा रहा है, अंबानी को पैसा जा रहा है, किसको जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने शासनकाल में इतना ज्यादा लोन लिया है, पूरी दुनिया से उठाया है, कि आने वाले सन 2075 तक के लिए कर्ज की अदायगी का सिस्टम किया है, यानी 2075 तक के लिए उन्होंने कर्ज उठा लिया है। आने वाली जो सरकारें होंगी, 2000 आज को एक रुपया ना ले तो भी 2075 तक वो कर्ज अदा करते 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 उनका पैसा जाएगा। और क्या आपको लगता है कि जो पैसा उठा लिया है वो 100% हमारी अर्थव्यवस्था उसका भरपूर भरपाई करने की स्थिति में है? तब आता है नहीं, यदि होती तो इतना कर्ज क्यों उठाते। तो इतना कर्ज जो नरेंद्र मोदी ने उठा लिया, जब 1947 से लेके 2014 तक भारत पर कर्ज, कुल कर्ज 55 लाख करोड़ का था, और अब भारत पर जो कर्ज है वो 275 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। तो जब 275 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो गया हो और सिर्फ 10 साल में 200 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया हो, तो आप सोचिए, यानी किस दिशा में हम जा रहे हैं। हम कह रहे हैं अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो रही, किसकी अच्छी हो रही, आपकी, देश की, या कुछ पूंजीपतियों की? जी हां, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की हो रही। उसी के से मिलने वाले तमाम हमसे आपसे जो टैक्स लिए जा रहे हैं उस पर हो रहा है। मैं उदाहरण के देता हूं कि चंडीगढ़ में जो बिजली विभाग है वो जो बिल भेजता है उस पर MC यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, 10% टैक्स लगाता था। अब उन्होंने जो नगर निगम 2015 तक जिसके पास में 550 करोड़ रुपए का FD थी, इतना उसके पास अपना इफरात था, प्लस था, वो चंडीगढ़ नगर निगम अब 1500 करोड़ का कर्जदार है। और स्थिति यह है कि उसके पास अपने संसाधन पूरे करने के लिए पैसा नहीं, तो उसने क्या कहा, टैक्स बढ़ाओ। हाउस टैक्स नहीं होता था चंडीगढ़ में, वो लग गया। हाउस टैक्स के बाद में पानी का जो कर है वो 4 गुना हो गया। उसके बाद में जो अदर्स यहां सर्विसेज मिलती थी वो 100% फ्री थी, उन पर टैक्स हो गया। उसके बाद में बिजली पर उन्होंने लगा दिया 10% टैक्स, और अब फैसला लिया जा रहा है कि वो बिजली पर जो टैक्स 10% ये ले रहे हैं बिल पर, वो अब 16% ले। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा कि कितने का भी हो जाए पेट्रोल डीजल हम लेते रहेंगे, लेकिन हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो साहब, जैसे ही चुनाव पूरा हुआ, जिस दिन वोट पड़ा और वोट पड़ के कंप्लीट हुआ, फैसला आता है कि यूपी में CNG जो है उसका रेट 2.5 रुपया और बढ़ गया, और वो पेट्रोल डीजल से भी महंगी हो गई। जो पहले कहा जाता था CNG का वाहन ले लो सस्ता पड़ेगा, तो अब आप समझ सकते हैं इस तरह से लूटा जाता है। तो इसी तरीके से चंद पूंजीपतियों को सब सौंप दिया गया, और वो चंद पूंजीपति कौन है, वो उस कैपिटलिस्ट सरकार के अपने लोग हैं। उनमें नाम अडानी, अंबानी और किसी की बात कर लीजिए, चलिए और किसी की बात करते हैं, अंबानी हो, दूसरे हो, ये तो कुछ बनाते हैं, रिफाइन करते हैं, कुछ करते हैं। अडानी क्या बनाता है? अडानी तो बने बनाए को कब्जा करता है, कहता जंगल दे दो जंगल काट डालेंगे, एयरपोर्ट दे दो पोर्ट दे दो जो बने हुए हैं, खदाने दे दो और जो कुछ है दे दो, सब ले लेंगे,
सब काटेंगे और वो करेंगे। एक खबर है, आज मैं पढ़ रहा था और ये बिजनेस के अखबार की खबर थी, और उस खबर में एक बड़ी चीज आती है कि किस तरीके से, तो ये आप देखिए, उसमें है अडानी की नजर अधिग्रहण पर। तो ये खबर है, और इस खबर में इंजीनियरिंग विनिर्माण क्षेत्र का पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है और इसके लिए कर रहा है। निश्चित रूप से आज यह खबर थी तो अडानी के शेयर एकदम से उछल जाने चाहिए थे, लेकिन होता क्या, अडानी के आज शेयर की स्थिति यह है कि हर शेयर डूब गया, 23% शेयर गिर गए। अब यह 23% शेयर गिरने से नुकसान किसको हो गया, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान इस देश के उस इन्वेस्टर को हुआ जो बड़ी ईमानदारी से पैसा कमाता है और उसका चला जाता है। अब आप सोचिए, यह स्थिति होती है, यह स्थिति होती है, यह क्यों हो रही है? क्योंकि हमने चंद लोगों को सब सौंप दिया है, मध्य मार्ग नहीं रखा है कि पंडित नेहरू कहते थे अमीरों से लेंगे गरीबों को देंगे, यानी हम कारोबार के खिलाफ नहीं है, हम पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं, लेकिन हम अपने गरीब मध्यम वर्ग के हित चिंतक, इसलिए हम उसको करेंगे, उसके ऊपर टैक्स नहीं ला देंगे, टैक्स आप पर ला देंगे। मोदी सरकार ने क्या किया, कारपोरेट टैक्स कम कर दिया, दूसरे और टैक्सेस कम कर दिए, लग्जरी टैक्स कम कर दिए, और इस तरह से करके उन्होंने उन बड़े लोगों को तो रियायत दे दी, और फिर उन्हें कहा कि सीएसआर का फंड आप आरएसएस के खाते में दे दीजिए, आप मत खर्च कीजिए, उनको दे दीजिए, हम आपको सारा वो माफ कर दें, और इसी नाम पे उन्होंने अपना सारा टैक्स भी, उन्हें जीरो हो गया। यानी इतने बड़े बड़े लोग ये टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, आपसे जीएसटी वसूला जाता, जो टैक्स आपको दूध पर नहीं पड़ता था, आपको आटे पर नहीं पड़ता था, आपको दूसरे तमाम उन पर नहीं पड़ता था, आपको एग्रीकल्चर में नहीं पड़ता था, सब पर आपको टैक्स लगा दिया गया, आपका लूटा जा रहा है, आपके घर से निकाला जा रहा है, गरीब से गरीब आदमी भिखारी तक से टैक्स लिया जा रहा है, और जो 5 किलो अनाज पे खुश होते हैं उनसे भी टैक्स लिया जा रहा है, और वो लेकर के अडानी जैसे लोगों के लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिए जाते हैं, उनको मदद की जाती है, हर महीने मदद की जाती है, आपसे जीएसटी वसूलते हैं, उनको दे देते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार कर्ज में डूबती जा रही है, और 2075 तक के लिए उसने कर्ज ले रखा है। अब आता है कि आखिर ये करके नरेंद्र मोदी करना क्या चाह रहे हैं, तो घटना आती है कि वो इस तरह से करके इन पूंजीपतियों से अपने चुनाव में पैसा खर्च करवाते हैं, जो करोड़ों करोड़ रुपया जो बांटते हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया, वो कहां से बांट रहे हैं, कहां से खर्च कर रहे हैं, यहीं से खर्च कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की तरह क्राउड फंडिंग नहीं कर रहे हैं, वो चंद ईमानदार जो व्यापारी हैं उनसे नहीं ले रहे हैं, वो तो उनसे ले रहे हैं, तुम बेईमानी करो, खूब करो, हमें देते रहो, चाहे जो करो, लूटो, कुछ भी करो, आपके यहां ना ईडी आएगी, ना सीबीआई आएगी, ना इनकम टैक्स आएगी, और हम सारे धंधे अडानी को दे देंगे। यह अपनाया, और जब यह अपनाया हो तब पंडित नेहरू याद आते हैं, क्योंकि पंडित नेहरू से अपनी बराबरी करने की सोचता है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को यह जानना जरूरी है। इसीलिए पंडित नेहरू जब भुखमरा भारत था तब भी अमेरिका जाते थे, तो अमेरिका का राष्ट्रपति, उनकी पत्नी, उन्हें प्लेन तक, जो है रनवे तक, उन्हें रिसीव करने आते थे, उन्हें छोड़ने आते थे। अमेरिका किसी के लिए प्रोटोकॉल नहीं, वहां का राष्ट्रपति तो होता है, लेकिन पंडित नेहरू के लिए तो होता था। आप इससे समझिए, इंदिरा गांधी ने रुला दिया था राष्ट्रपति निक्सन को,
राजीव गांधी थे तो राष्ट्रपति निक्सन उनके ऊपर छाता लेके चल रहे थे। फोटोग्राफ्स देखिएगा आपको मिल जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी शासन काल में क्या होता है, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर वहां की अदालत मुकदमा करती और उनके खिलाफ वारंट जारी करती है अजीत डोवाल के। वो कहती है कि आतंकी और जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का धंधा है उसमें किस तरीके से अजीत डोवाल इन्वॉल्व है, कैसे अमित शाह का हाथ है। और दूसरी चीज तो कनाडा कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निज्जर की हत्या के मामले का पूरा सब कुछ जानते थे, विदेश मंत्री, सारी चीजें उनके नॉलेज में हुई। अब यह सबूत मिल रहे हैं। और उधर क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क की एक अदालत ने नरेंद्र मोदी के जो राष्ट्रीय सेठ हैं गौतम अडानी, उनके लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। क्यों जारी कर दिया है? उन्होंने वहां ठगी की है सोलर एनर्जी के नाम पे, यानी कुछ लगाना नहीं है, बनाना नहीं है, सूरज की ऊर्जा लो और बिजली के नाम पे वो करो। तो उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए से अधिक वहां पर वसूले और फिर सोच रहे थे कि बिजली बेचेंगे तो महंगी बिजली वहां तो कोई खरीदेगा नहीं, यहां तो नरेंद्र मोदी जाके चाहे बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो छोटे छोटे देशों को मजबूर करते थे और बिकवा देते थे। लेकिन वहां अमेरिका ने तो सुनने से मना कर दिया, और जब उसने मना कर दिया तो क्या करते, तो साहब बिजली बिक नहीं रही थी तो हिंदुस्तान को बेचेंगे। तो उसके लिए आ जाते हैं भारत में, सौदा शुरू करते हैं और उसके लिए 2,100 यानी 2100 करोड़ रुपया रिश्वत देते हैं। और यह रिश्वत तमाम पॉलिटिशियंस को भी है जिसमें आप नाम ढूंढ सकते हैं, और तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी हैं सीनियर लेवल पे जिससे फाइल लीगल तरीके से चले। तो यह धंधा होता है। बहरहाल इसी मामले में चूंकि ठगे जाते हैं वहां के नागरिक, तो वहां की सरकार, वहां का प्रशासन इसे बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे नागरिकों का एक पैसा डूबे। भारत में वो लाखों करोड़ हजारों करोड़ डुबो देते हैं, कोई भारत सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहां की सरकार को होता है। तब आप इससे समझ सकते हैं। एक मेरे मित्र हैं मनीष, उन्होंने एक बड़ी बड़ी अच्छी चीज लिखी कि अब इच्छा नहीं करती है भारत की राजनीति पे चर्चा करने की, क्योंकि यहां पर कहीं रियलिटी के करीब नहीं है तमाम चीजें, कुछ चीजें दिख नहीं रही। देश पॉलिटिक्स से नहीं, सोसाइटी से यहां पर चल रहा है। और स्थिति यह है कि यहां उन्होंने शब्द यूज किया है चूतियों का देश है, लेकिन मैं नहीं यह कहता हूं, मैं इसको कहता हूं कि मूर्खों का देश है। सोशियली यानी सामाजिक तौर पे इसका सत्यानाश हो चुका है। विदीर्ण चिरी फटी हुई सोसाइटी के नेशन पॉलिटिकल यूनिटी के रूप में देर तक रह जाए इतिहास में कभी नहीं। तो ऐसी स्थिति में बहुत संभावनाएं इस देश में नहीं दिखती हैं। जिस तरीके से सूनर लेटर इसके अंतर्द्वंद उन्हें उंगली घुसाकर घुमाकर फाड़ा जा रहा है, सब किया जा रहा है, उससे लगता नहीं है कि कुछ समझदारी होगी, सदाशाही होगी। इस देश की दुर्दशा में सरकार से ज्यादा दोषी यहां का समाज है। बिखराव एक दो नहीं कई टुकड़ों में होगा। इस रास्ते पर मणिपुर चल पड़ा है, अहमदाबाद होंगे और तमाम होंगे अशांति के रास्ते पर। और जिस तरीके से मूर्खों की फौज सड़कों पर तलवार लेकर नाचेगी, नए रक्तबीज बनते रहेंगे, ऐसी सोसाइटी रहने के लिए सेफ नहीं होगी। इसमें पलने बढ़ने विकसित होने फलने फूलने की बेहद जो है कम संभावना है। और आर्थिक पूंजी जिस तरह खर्च हुई है, जिस तरह के हालात बने हैं सब कुछ देख करके, तो वो बुरी स्थिति है। और ये बुरी स्थिति मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीर है, वहां का वीडियो है।
और वहां पर सेना में भर्ती के लिए जो है चंद सौ भर्ती होनी, लेकिन इतना बेरोजगार युवा वहां पर खड़ा है। अब आप सोचिए किस दशा में भारत। इसलिए कह रहा हूं, यदि मध्यम मार्ग अपनाया होता तो शायद ये ना होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हमने आने वाले 5 साल के लिए सरकार और सौंप दी, तो यानी राहुल गांधी ने संविधान जरूर बचा लिया, लेकिन वो 4-5 साल उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इस देश की जनता ही नहीं चाहती है कि उसका संविधान सुरक्षित रहे। चंद वह लोग चाहते हैं जो किन्हीं कारणों से भयभीत हैं, डरे हुए, शेष तो धर्म के नाम पर लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। कोई मध्यम मार्ग नहीं अपनाना चाहता है कि हम दो विपरीत विचारधारा के लोग एक साथ होकर के चले और आगे बढ़े, जीते बढ़े। बड़ा विषय है, सोचिए आप। मैं तो सोच रहा हूं, मैंने इसीलिए इस देश में अपनी 1 रुपए की संपत्ति नहीं बनाई, और मैं यही कहता हूं, बेटियां जैसे ही थोड़ा योग्य होंगी मैं बाहर भेजूंगा, यह देश रहने काबिल नहीं रहा। जय हिंद।